नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं पेशाब के रोग के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बेगर भगाए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा कि वीडियो जो है वो समझ में आए। दोस्तों बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि बार बार पेशाब क्यों आती है और पीला पेशाब क्यों होता है, इसके कारण क्या है और थोड़ा थोड़ा पतला पेशाब होता है। दोस्तों बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि ज्यादा चावल खाना पसंद करते हैं और चावल खाने के कारण जो है वो पेट में जो है गैस बनने लगता है हरदम हर वक्त। तो आप लोग चावल खाते हैं तो खाइए, लेकिन अगर उसमें का मार जो है निकाल देते हैं तो इसीलिए जो है वो बार बार पेशाब आता है और जो पीला पेशाब जो है वो होने लगता है, वो गर्मी के कारण होता है। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद में पानी जो है वो पीना भूल जाते हैं। तो पानी आधा घंटा के बाद, अगर आप लोग खाना खा लिए हैं अभी, तो आधा घंटा के बाद में जरूर पानी पीना चाहिए। और चावल जो है वो कम खाइएगा, चावल और रोटी दोनों मिलाकर खाइएगा तो बार बार पेशाब नहीं आएगी, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि पीला पेशाब होता होगा तो आपको तुरंत ठीक हो जाएगा, और बार बार पेशाब होता होगा तो एक ऐसा चीज है कि आप लोग खाएंगे खाना के साथ तो आपको पेशाब रोग तुरंत ठीक होगा। छोटी छोटा छोटा प्याज जो है बाजार से खरीद करके लाइएगा। बहुत लोग क्या करते हैं प्याज जो है बड़ा बड़ा खरीद करके लाते हैं तो उसको काटने के चलते जो है प्याज को उसको सोचते हैं कि क्या खाएं खाना में। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि छोटा छोटा लाइएगा प्याज और खाना में जरूर प्याज खाइएगा। प्याज खाइएगा तो आपको पीला पेशाब होता होगा तो एक से दो दिन में आपको फर्क दिखने लगेगा। एक टुकड़ा प्याज खाइए चाहे जितना आप खा सकते हैं, लेकिन खाना के साथ खाना है। और क्या करना है कि रात को सोते समय एक लौंग जो है वो भी खाइएगा, क्योंकि एक लौंग वो छोटी वाली लौंग खाना है, बारह वाला लौंग बिल्कुल नहीं खाना है। बारह वाला जो है वो हानि करता है, लकवे फालिस की बीमारी होने की संभावना बना रहता है। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर है कि अगर छोहरा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग छोहरा भी खाइएगा, खाना खाने के बाद में एक ही छोहरा रात के समय में, ऐसे आप लोग कीजिएगा तो आपको पेशाब रोग जो है वो तुरंत दूर हो जाएगा। अगर सब में सहमत नहीं है तो प्याज जरूर खाइएगा खाना के साथ। और बहुत लोग क्या करते हैं कि खाना खाते हैं तो खाना में कौन सा चीज कब खाना है कि वो हानि ना करे। दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग कोई ऐसे होते हैं कि मिर्ची खाना पसंद करते हैं खाना में और प्याज भी खाना पसंद करते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज खाना है, सबसे पहले आप प्याज खाइए, उसके बाद में हरी मिर्च खाइए, उसके बाद में आप खाइएगा तो कोई प्रकार की दिक्कत और ट्रेबुल पेशाब रोग की नहीं होगी, किडनी पे प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। नहीं तो आप लोग हरी मिर्च खा लीजिएगा और उसके बाद में प्याज खाइएगा तो आपके शरीर में जो है वो गर्मी महसूस होने लगेगी, उसी समय लकवा फालिस की बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों यही सोचना है। सुबह बहुत लोग क्या करते हैं कि काम धंधा में लग जाते हैं, कोई काम नहीं, क्या होता है कि लेटरिंग बाथरूम लगी रहती है और लेटरिंग बाथरूम नहीं जाते हैं, इसके कारण जो है लकवे फालिस की बीमारी हो जाती है। तो सबसे पहले सुबह में जगना है तो क्या करना है कि लेटरिंग बाथरूम जाना है, उसके बाद में कोई काम में लगेंगे आप तो आपको लकवे फालिस की बीमारी जो होने वाली होगी वो बिल्कुल आपके शरीर से टल जाएगी। दोस्तों पेशाब रोग को दूर कर देना है तो ये नियम आप लोग अपना लीजिए और बार बार पेशाब जो आती होगी वो तुरंत मिट जाएगी और आपकी सेहत जो है वो अच्छा बनने लगेगा और पेशाब जो है एकदम उजला होने लगेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो आप लोग को हमेशा मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, जहां भी रहें वहां मस्त रहें, बने रहें।